दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन नेहा सिंह, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। आप सभी का डाइटजोन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको कैंसर प्रिवेंशन के लिए जरूर फॉलो करनी चाहिए। जिन भी लोगों को कैंसर है या वो कैंसर के दौरान ट्रीटमेंट पर है या फिर वो कैंसर से ऑलरेडी प्रिवेंट हो चुके हैं, वो सभी लोग इन सारी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड नॉर्मल हेल्दी लोग भी इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको आपको जरूर अपने डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए। नंबर वन, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल आप अपने डेली रूटीन में खाते हैं उनको वॉश करने के लिए आपको अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्कलाइन वाटर आप घर पर भी बना सकते हैं। जो भी एसिडिक फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं उनको पानी में सोक करके कुछ टाइम के लिए रख दें या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो वो वाटर की प्रॉपर्टी ऑलरेडी अल्कलाइन हो जाती है। आप उससे अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को धोएं। ऐसा करने से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो प्रॉपर साफ हो जाएंगे। नंबर टू, जो भी केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना, जैसे कि मान लीजिए कई तरह की क्रीम्स आती हैं जिनको हम डेली अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, कई तरीके के फाउंडेशंस, कई तरह की क्रीम्स आती हैं, उनके अंदर टोटल केमिकल ही होते हैं, वो केमिकल बेस्ड होते हैं। उनको रूटीन में आप यदि फॉलो कर रहे हैं तो आपकी स्किन के द्वारा वो आपकी बॉडी में भी एंटर होते हैं, तो वो भी एक कैंसर का रीज़न है। सो यदि हम केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स का यदि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसको मॉडरेट ही यूज़ करना चाहिए। नंबर थ्री, जो फूड आप खाते हैं वही आप बन जाते हैं। यानी कि आप यदि जंक फूड का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, रिफाइंड फ्लोर से बने हुए फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, अनकंट्रोल वे में करते हैं, तो आपको उनको कम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी फूड भी केमिकल बेस्ड ही होते हैं। जो भी शुगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो रिफाइंड शुगर होती है। मैदा जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, वो ट्रांस फैट होते हैं, उनमें भी बहुत तरीके के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। कई तरीके के कलर्स फूड के अंदर ऐड करके उनको प्रिपेयर किया जाता है, जो टोटल केमिकल है। ये एक डैड फूड के रूप में जाने जाते हैं बिकॉज इनके अंदर न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जनरली घरों में देखा जाता है सबसे पहले सुबह उठकर हम बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं। बिस्किट के अंदर जितना शुगर है, जितना वीट है, उतना ही उसमें केमिकल भी ऐड किया जाता है। तो यदि आप एम्प्टी स्टमक ऑलरेडी केमिकल खा रहे हैं तो वो एक कैंसर का बड़ा रीजन है। और यदि देखा जाए तो दिन की शुरुआत हम शुगर यानी कि मीठा, चीनी से बनी हुई चीजों को खाकर करते हैं, और कैंसर सेल्स भी चीनी पर टोटली डिपेंड होती हैं। यदि आप बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैंसर सेल्स को बहुत अच्छे से शुगर फीड करा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो बॉडी में एंटर कर सकती है। इसलिए हम सभी कैंसर पेशेंट्स को शुगर फ्री डाइट रिकमेंड करते हैं। नंबर फोर, ओबेसिटी कैंसर का बड़ा रीजन है। यदि ओबेसिटी है, कैंसर है या कैंसर प्रिवेंट कर चुके हैं तो आपको अपने वेट पर फोकस करना चाहिए, आपको वेट लूज करना चाहिए। यदि आपने अपना वजन कम कर लिया, ओबेसिटी को कम कर दिया, तो आप लगभग 15 से 20 कैंसर को अपनी बॉडी से दूर भगा देते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ये प्रूव कर चुका है, जब भी वो कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो 15 से 20 कैंसर ओबेसिटी की वजह से देखे जाते हैं। पहले कैंसर की वजह हुआ करती थी तम्बाकू, बीड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना, बट आज की डेट में ओबेसिटी, केमिकल बेस्ड फूड का इस्तेमाल करना, केमिकल बेस्ड चीजों को अपनी बॉडी पे अप्लाई करना, बहुत ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड एंड जंक फूड का इस्तेमाल करना, कोई भी चीज यदि आप ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉइजन की तरह आपकी बॉडी के लिए वर्क करती है। जैसे कि आप एक साथ 10 से 15 ग्लास पानी पी लें तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है और वो डेथ का रीजन भी माना जाता है। सेम वैसे ही यदि आप किसी भी चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, तो वो बॉडी के लिए पॉइजन मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए उनमें मॉडिफिकेशन जरूर करें। थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने से आप कैंसर से प्रिवेंशन कर सकते हैं। आपके आसपास यदि कोई कैंसर पेशेंट है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। एंड यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके साथ आते रहेंगे। नमस्कार।